हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में बात करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है और जिसके यहाँ संतान हो उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके भविष्य के लिए हर माँ ये व्रत करती है। तो आज हम इसी व्रत के बारे विषय में चर्चा करेंगे और मैं इस व्रत से रिलेटेड आपको एक कथा भी सुनाऊंगी हमारे कन्हैया की और हमारी राधा जी की। और ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है इस बार 21 अक्टूबर को है, दिन सोमवार है, तो प्लीज़ आप व्रत ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको व्रत विधि बता देती हूँ कि ये हम व्रत किस तरह से करें। तो देखिए, ये व्रत जिस तरह से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं बिल्कुल उसी तरह से होता है। बस इसमें अंतर इतना होता है कि जो हम व्रत का, करवा चौथ के व्रत का जो हम पारण करते हैं पूरा, हम चंद्रमा को अर्घ देकर करते हैं और इसका जो हम पारण करते हैं वो हम तारों को अर्घ देकर करते हैं। तो तारों को देखकर जो हम अर्घ देते हैं, हो सकता है बच्चे हमारे घर में तारों की तरह झिलमिलाते हैं तो शायद इसलिए हम तारों को देखकर अर्घ देते हैं। और अब जो हम इसमें भोग बनाते हैं, भोग में हम जो बनाते हैं वो गुलगुले बनाते हैं, जिन्हें पूड़े भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं, गुड़ से और चीनी से, आटे से बनते हैं, वही हम इसमें भोग के लिए बनाते हैं गुलगुले, पूड़े और पूरी। इसमें हम सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं। और जो हम ये पूरा व्रत रखेंगे उसके बाद हम रात्रि में किस तरह से स्नान करके हम संतान प्राप्ति कर सकते हैं, मैं आपको ये कथा भी सुनाती हूँ। और प्लीज़, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, तभी आप इस वीडियो के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अब हम अहोई अष्टमी की व्रत विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप स्नान कीजिएगा। सुबह जितनी सुबह हो सके आप उतनी सुबह स्नान कीजिएगा। आप सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, लेकिन 6 बजे तक आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके आप पूजा कीजिए, जो डेली रूटीन में पूजा करते हैं आप वही पूजा कीजिए। उसके बाद जो हम इसकी कथा सुनते हैं, अहोई अष्टमी की जो हम कथा सुनते हैं वो हम 12 बजे के बाद सुनते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद, और 4 बजे से पहले पहले आप कभी भी कथा सुन लीजिएगा। तो अहोई अष्टमी की कथा आपको नॉर्मल किताब में मिलती है। अहोई अष्टमी के जो उपवास हम रखते हैं, कथा सुनते हैं, उसकी किताब भी मिल जाएगी। ज़्यादातर करवा चौथ की जो कथा होती है उसी के साथ अहोई अष्टमी की व्रत विधि भी होती है और उसकी कथा भी होती है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़िएगा। उसके बाद में अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय या कोई फ्रूट खाना चाहते हैं, अगर आप में क्षमता नहीं है व्रत रखने की तारों की छाँव तक, तो आप खा सकते हैं। वरना आप अगर क्षमता अगर आप में है तो आप तारों को अर्घ देकर तभी आप अपना उपवास तोड़िएगा। उपवास विधि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमें पूड़े बनाने होते हैं, पूड़े जो आटे से बनते हैं, पूड़े गुड़ या चीनी डालकर वो पूड़े हमें बनाने होते हैं, और वो 16 पूड़े हम निकालेंगे एक थाली में, और उसके साथ हम 4 पूरियाँ बनाकर रखेंगे। इसमें सब्जी का भोग नहीं लगता है, इसमें पूड़े का और पूरियों का भोग लगता है, वो हम निकालेंगे। और जो हमसे बड़े हैं, जैसे कि हमारी सासू माँ, जिठानी और ननंद, उनके लिए अगर हो सके तो आप कोई भी वस्त्र दे सकते हैं, और थोड़ा जो हम उसके साथ में जो हम दक्षिणा बोलते हैं, पैसे वगैरह रखकर उसे थाली को जो मिनसते हैं, मिनसना बोलते हैं ना, इस तरह से हाथ में जल लेकर और इस तरह से हम उसकी पूजा करते हैं, तो हम 3 बार वो करेंगे। और उसके बाद में हम जब अहोई माता से आशीर्वाद लेंगे कि मैया हमारी अगले साल हमारी गोद अवश्य ही भरे, जिनके संतान नहीं है और जिनके संतान हैं वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये है हमारी अहोई अष्टमी की व्रत विधि। अब मैं आपको जो उसकी कथा है, जो ये महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ये व्रत भी महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ संतान प्राप्ति के लिए। एक समय की बात है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए राधा जी का इंतज़ार कर रहे थे। तो कहते हैं राधा जी को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, तो कृष्णा जी इंतज़ार करते करते उन्होंने क्या करा, जो हमारे कृष्णा जी की बांसुरी थी उन्होंने वो उठाकर ज़मीन पर इस तरह से रखी कि जब उन्होंने वो बांसुरी रखी तो कहते हैं कि वहाँ पर एक कुंड बन गया। तो वहाँ एक कुंड बन गया, तो अब हमारे कृष्णा जी को तो ये पता भी नहीं चला कि उन्होंने बांसुरी रखी और वहाँ कुंड बन गया।
जब राधा जी आईं तो राधा जी ने देखा कि कृष्णा जी बैठे हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही में कुंड बना हुआ है। राधा जी ने पूछा कि कन्हैया ये कुंड यहाँ कैसे बना? तो कृष्णा जी ने पूछा कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यहाँ बांसुरी रखी है अपनी और यहाँ कुंड कैसे बना मुझे नहीं पता। तो अब हमारी राधा जी के मन में कुछ हलचल हुई, तो कहते हैं कि राधा जी ने हाथ से अपने एक कंगन निकाला और बिल्कुल उस कुंड के पास उन्होंने वो कंगन रख दिया। तो जहाँ उन्होंने वो कंगन रखा उस कुंड के पास में, तो कहते हैं कि वहाँ एक और कुंड बन गया। तो जो पहले हमारे कन्हैया जी से कुंड बना था उसे कहते हैं श्याम कुंड, और जो हमारी राधा जी से कुंड बना उसे कहते हैं राधा कुंड। ये जो गोवर्धन की हम लोग परिक्रमा लगाते हैं उस परिक्रमा के बीच में आता है ये राधा कुंड और श्याम कुंड। और जिस दिन ये कुंड का निर्माण हुआ, कहते हैं कि उस दिन अहोई अष्टमी थी और अहोई अष्टमी का व्रत था। तो जब हमारे कान्हा जी ने वो कुंड देखा जो हमारी राधा जी के द्वारा बना, तो कृष्णा जी ने कहा कि हे राधे, मैं तुम्हारे इस कुंड को वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो इस कुंड में जोड़े से स्नान करेगा, अगर उसे संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्त अवश्य ही होगी। तो इसीलिए इस कुंड की विशेषता है कि अहोई अष्टमी पर मध्य रात्रि मतलब 12 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे के बीच में जो इस कुंड में जोड़े से स्नान करता है, कहते हैं उन्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। और आप जब भी इस कुंड में स्नान करें तो लगातार, जैसे कि आपने इस साल किया और उसके अगले साल फिर से आप इस कुंड में स्नान कीजिएगा, जब आप जोड़े से और दो जोड़े लगातार इस कुंड में स्नान करेंगे तो कहते हैं कि आपकी मनोकामना सभी पूर्ण होंगी। और ये भी कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने पर हमें कोई भी एक फल हमेशा के लिए छोड़ना होता है, मतलब कि हम उस फल को कभी खा नहीं सकते, तो इसलिए वो फल छोड़ा जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें कि कोई भी पंडित होगा वो वहाँ बता देगा आपको, जिस तरह से पूजा विधि होती है वहाँ पंडित रहते हैं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ होती है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ इतनी भीड़ होती है अहोई अष्टमी पर। वो आपको पंडित वहाँ होते हैं, वो आपको पूरी पूजा विधि पूरे विधि विधान से वो करा देंगे। बस उन्हें थोड़ी सी उनकी दक्षिणा दीजिएगा, जो दक्षिणा खैर ये है कि उनका तो मांगने का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से दीजिएगा, ये है। तो ये इस कुंड की विशेषता है। तो ये मेरी एक छोटी सी, जितना मुझे पता था, जितनी मुझे नॉलेज थी, मैंने वो आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और प्लीज़ अगर आपको संतान नहीं है तो प्लीज़ एक बार मेरे मानने से आप उस कुंड में स्नान ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके घर में खुशियाँ आ जाएँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मेरे कारण। तो प्लीज़ उस कुंड में ज़रूर स्नान कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।